हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। एक्चुअल में ये एक स्मार्ट वॉच है, इसका जो मॉडल नंबर है ये T500 है। इसके पहले भी हम T55 का वीडियो बना चुके हैं जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट के अंदर होते हैं और अगर आप चाहें तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं, फिर बच्चों के लिए भी आप इस स्मार्ट वॉच को मंगवा सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको कम रेंज के अंदर। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको मीशो के ऊपर से ऑर्डर दिया था और ये तकरीबन हमको 750 रुपये में मिली है, मतलब 686 रुपये इसकी प्राइस थी। ठीक है, तो इस तरीके से पैकेजिंग हमको देखने को मिल रही है। चलिए इसका पैकेज ओपन कर लेते हैं, अंदर से हमारी स्मार्ट वॉच कैसी है कैसे देखने को मिल जाती है और इसके थोड़े फंक्शन वगैरह भी हम देख लेंगे। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ हम बना चुके हैं जो स्मार्ट वॉच वगैरह के जो ऐप है वो कैसे इस्तेमाल करना है, सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ऐप का ऊपर से बता दूंगा, क्योंकि ये जो ऐप इसके अंदर यूज़ की गई है ऑलरेडी हम इसका वीडियो पहले बना चुके हैं, तो वो वीडियो लिंक पर मैं शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो देख के पूरी ऐप की सेटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग है आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है इसकी पैकेजिंग, और जब हम पैकेजिंग ओपन करते हैं तो इस तरीके से देखिए ये हमारा बॉक्स, देखिए यहाँ पर है वॉच T500 और इसमें जो ऐप इस्तेमाल होंगी वो है फिट प्रो। तो फिट प्रो का वीडियो हम पहले बना चुके हैं तो मैं इसको अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और बॉक्स में हम देखें तो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है जिन्होंने हमको भेजा है। तो ये एक्चुअल में कार्ड इसलिए देते हैं लोग कि इनको 5-स्टार रेटिंग हम दें ताकि इनका बिजनेस बढ़े। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है बॉक्स और बॉक्स की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, पूरा वाइट है। यहाँ पर जो है तो वॉच T500 यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें जो ऐप इस्तेमाल होंगी वो यहाँ पर दिया गया है, फिट प्रो इस्तेमाल करना है हमको। और यहाँ पर एक आपको पट्टी नज़र आ रही है, एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो गुलाबी कलर का है, तो इसकी बेल्ट का कलर ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर में आपको बेल्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ओपन करने के बाद इस तरीके से हमको ये देखने को मिलती है। यहाँ पर 8 का सिंबल है और यहाँ पर ये सिलिकॉन का बना हुआ इसका बेल्ट है। बेल्ट क्वालिटी ठीक ठाक है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्राइस इसकी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो हमारा ये स्मार्ट वॉच हमको देखने को इसमें मिल रही है, इसको भी देख लेंगे। ये फोम है, इसको साइड में करते हैं यहाँ पर, और देखें तो यहाँ पर हमको यूज़र मैनुअल इसका देखने को मिलता है और यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है इसके थ्रू आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका चार्जर है, तो चार्जर काफ़ी अच्छे वाला है ये, क्योंकि ये इसके अंदर ग्रिप दी गई है, तो हम इस तरीके से इसको आसानी से इसके पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके से हम फिट कर देंगे। तो आप जब चार्जिंग पे लगाए तो कहीं पर अभी आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, गिरता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चार्जर अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्मार्ट वॉच का डायल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा कवरिंग में आपको मिलता है। तो चलिए इसकी कवरिंग निकाल देते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक दिया हुआ था इसको भी निकाल देते हैं। और ये सामने यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर यहाँ पर दिया गया था जिस पर 8 लिखा हुआ, इसको भी साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसकी जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी इसकी दी गई है यहाँ पर, और दो बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉलिंग इसके अंदर है कि नहीं अभी देखेंगे हम। यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर माइक दिया गया है इसका। पीछे हम देखें तो इसके सेंसर यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर चार्जिंग के पॉइंट यहाँ पर नीचे साइड में दिए गए। इधर हम देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है जो ब्लैक कलर की यहाँ पर है, और हमने जो लिया है गोल्डन कलर के अंदर है क्योंकि हमारे जो बेल्ट है वो पिंक कलर के है। ठीक है, चलिए इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पर इधर साइड में हम देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से हम अपने इसके बेल्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए बेल्ट बता देता हूँ आपको कैसे इसके बेल्ट फिट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बस रख कर सिंपली हमको ऐसे ड्रैग कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल था इसको लगाना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, और एक बार इसको लगा दिए तो ये फिट हो गया। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर ये हमने इसको फिटिंग कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने इसको बेल्ट लगा दिया है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बेल्ट है इसका और क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है इसकी। यहाँ पर बहुत सारे होल दिए गए तो आपकी रिस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका पॉइंट दिया गया है ये मेटल का है। ठीक है, तो ये अच्छा टिकेगा यहाँ पर, इस तरीके से आप इसको ईजीली अपने हाथ में पहन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए अब इसको ऑन कर देते हैं और इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वॉच के फंक्शन हम देख लेते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको वॉच फेसेस सामने नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से साइड में करके वॉच फेसेस आप इसके चेंज कर सकते हैं। इसमें 150 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और ऐप की सेटिंग हम पिछले वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ऐप आपको बताने नहीं वाला हूँ, सिर्फ ऐप कैसे इंस्टॉल करना है बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर वॉच फेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। जब ऊपर से नीचे के साइड में ले रहे हैं तो नल आ रहा है, या नीचे से ऊपर लिए हम तो यहाँ पर देखिए आप कॉलिंग इससे कर सकते हैं, फ़ोन बुक, और यहाँ पर आपको स्टेप म्यूज़िक, और यहाँ पर आपको
आप देखेंगे तो आपको QR कोड के लिए यहाँ पर मिल रहा है, जिससे आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इधर आप जो इसको स्क्रॉल को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेनू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेप, हार्ट रेट आप कर सकते हैं, फ़ोन बुक, मैसेजेस, इसमें डायलर, रनिंग, सीटअप, जंपिंग इसमें आपको मिल रहा है, वेदर, स्लीप, लुकिंग, म्यूज़िक आप इससे प्ले कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। स्टाइल मेनू यहाँ पर जो है तो 3 दिए गए, ठीक है। कैमरा आप आपका हैंडल इससे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैमरा भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। उसको स्टॉप वॉच इसके अंदर आपको मिल रही है, और यहाँ पर इसको वापस बैक करते हैं हम। और इधर देखिए आप तो QR कोड स्कैनर यहाँ पर आपको है, मोर यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के मैसेजेस आप इस पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे भेज नहीं सकते, सिर्फ रिसीव इससे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोर पे क्लिक करें हम तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेजेस आप इसकी चेंज कर सकते हैं, टाइम आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। और देखिए बैकलाइट जल्दी बंद हो रहा है, तो यहाँ बैकलाइट पे क्लिक करके यहाँ 5 सेकंड पे, मैं इसको 30 सेकंड पे कर रहा हूँ अभी, तो इसको 30 सेकंड पे मैंने सेट कर दिया हूँ, अब ये थोड़ा टाइम से बंद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है साइट से, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी है इसके, तो वो सब मैंने यहाँ पर आपको, तो सारे स्मार्ट वॉचेस जो होती है वो सेम ही होती है। आपको एक अगर स्मार्ट वॉच आपको चला कर आती है तो आप सारे स्मार्ट वॉचेस को आसानी से चला लेंगे, और सेम ही फंक्शन इसके अंदर होते हैं, ऐप के अंदर भी सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इसको नीचे यहाँ पर क्लिक करके आप देख रहे हैं यहाँ QR कोड है, तो यहाँ से हम इसको इसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके ऐप के अंदर भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पुराना वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके अंदर लगे, तो इसी वीडियो के अंदर मैं उसको थोड़ा जोड़ दूंगा, जिससे आपको ये आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स एक अच्छी वॉच है ये, स्मार्ट वॉच है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप आपके बच्चों के लिए लेना चाहें तो आप सस्ते में ये स्मार्ट वॉचेस ले सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं ऐप इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि ऐप के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से इसकी ऐप कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना मोबाइल ले लेना है, और यहाँ से हमको QR स्कैन करना है, तो यहाँ से हम हमारा स्कैनर शुरू कर देंगे। ये देखिए हमारा स्कैनर यहाँ पर शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी वॉच में जाएंगे, वॉच में जाने के बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। देखिए QR कोड यहाँ पर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर QR कोड आ गया, और हम इसके थ्रू इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन हो गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन ओपन ब्राउजर में करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आ रहा है ऐप स्टोर से करना है, गूगल प्ले से करना है, तो हम गूगल प्ले से इसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे। देखिए फिट प्रो ये ऐप का नाम है, जो बॉक्स के ऊपर भी दी हुई थी, तो इंस्टॉल यहाँ से हम इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, और हमको ओपन करना है। यहाँ से ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी ऐप ओपन हो रही है, और ओपन होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी वॉच को इससे कनेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पर कुछ परमिशंस आपसे मिल लेंगे, तो इसको ओके कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे साइड में देख रहे हैं होम के बाजू में सेट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो इसको हम ओके करके हमारा लोकेशन ऑन कर देंगे मोबाइल का, ठीक है। फिर बैक हो जाएंगे यहाँ से, बैक होने के बाद हमारे जो डिवाइस है इस पर डबल हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइस सर्चिंग हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉच 7 आपको लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर जो है तो ये कुछ सर्च कर रहा है अभी, तो इसको सर्चिंग होने देना है, या फिर आप इस पर टच कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए ट्राई टू कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद में टाइम सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और ये हमारी ऐप कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुकी है। इधर हम क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर वॉच 7 लिखा आ रहा है, हमारी वॉच का यहाँ पर सिंबल भी नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से सभी हमारी ऐप है। फ्रेंड ये ऐप को मैं पूरी आपको डिटेल से इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियोस के अंदर में ये पूरी ऐप सेम टू सेम ऐप यही ऐप है जो पिछले वीडियो में थी, तो आप वो वीडियो देखकर इसके अंदर कैसे आपको पूरा यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी इससे बता देता हूँ, इसमें हम टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। टेस्ट हम पिछले वीडियोज में पूरा कर चुके हैं, ऐप सेम है, और जो भी आप सस्ती वॉचेज लेंगे उनकी ऐप सबकी सेम ही मिलेंगी, ठीक है। तो एक की सेटिंग आपको आ गई तो आपको की सेटिंग आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो होम है इसके ऊपर आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, आप कितना चले, कंज्यूमेशन, कितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम की, आपका टारगेट आप इस पे सेट कर सकते हैं, और हेल्थ रेटिंग यहाँ पर 88 मिनट यहाँ पर दिया, हार्ट बीट आपकी कितनी थी, स्लीप वगैरह। लेकिन ये हार्ट बीट वगैरह ये सब इसमें फर्जी होते हैं, तो इस पे भरोसा नहीं करना है आपको। कोई भी स्मार्ट वॉच के ऊपर जो आपकी हार्ट बीट है, BP वगैरह, इस पे चेक ना करें, आप डॉक्टर के पास जाकर ही चेक करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो आपकी बीमारी बढ़ा देंगी, आपको टेंशन में ला देंगी, ठीक है। या गूगल पे भी किसी बीमारी को आप सर्च ना करें, सीधा डॉक्टर से जाके मिले,
ठीक है। तो दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेट है, सेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको रिमोट शटर देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद परमिशन दे दी हमने। अब देखिए यहाँ पर अलाउ करने के बाद हमारा कैमरा शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं कि घड़ी के ऊपर भी हमारे यहाँ पर आ गए। तो जब मैं इसको क्लिक करके ऑन करता हूँ और जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा फोटो लेना शुरू हो गया। ये पहला फोटो हमने ले लिए, ये देखिए यहाँ पर दूसरा फोटो, ठीक है। क्लिक करते से तीन सेकंड का टाइमर यहाँ पर लग जाएगा, इसको बैक कर देते हैं। दूसरा जो हम देखें तो मैसेज पुश है, मैसेज पुश आप किसी भी आपकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके मैसेजेस आपकी घड़ी पे ले सकते हैं आप। उसके बाद में फ्रिक्वेंट जो है तो कॉन्टैक्ट, आपके यहाँ से आपके कॉन्टैक्ट सेव करेंगे इसके अंदर, यहाँ से प्लस करके तो आपकी घड़ी के अंदर ऑटोमेटिक वो कॉन्टैक्ट सेव होकर आ जाएंगे। डायल सेटिंग, यहाँ से आप आपके वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक वॉलपेपर मैं आपको लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल के फोटो भी आप इस पर रख सकते हैं। पिछले वीडियो में पूरा टेस्ट करके मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वॉलपेपर मैं चुन लेता हूँ, देखिए ये वाला वॉलपेपर हमने चुन लिया। अब हमको टाइम किधर साइड में चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सिंक्रोनाइज डायल पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर घड़ी इससे कनेक्ट हो गई है। फ्रेंड्स आपने देखा कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए वॉच के ऊपर वो वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो बहुत ही इजी है, आप इस तरीके से आपके कितने भी वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे वॉलपेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, तो इसको बैक कर देते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नीचे आपको रिसेट डिवाइस है, आप डिवाइस को पूरा रिसेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो चीज़ें आपको इसमें रिमूव करना है, OTA अपग्रेड कर सकते हो। बैकग्राउंड सेटिंग है इसकी, तो आप इसकी बैकग्राउंड सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो। पिछले वीडियोज़ में मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले रेस टू वे, तो आप इसको अगर ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद आप आपकी सिर्फ घड़ी को इस तरीके से झटका लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। यानी देखिए आप देख रहे हैं ये भी देखिए ऑन हो गया, मैं इसको बंद करता हूँ और देखिए मैं नीचे करता हूँ, यानी आपकी कलाई नीचे है और आपने जैसे सीधी किए तो ये ऑन हो जाएंगी। यानी ये सेटिंग करने के बाद आप इसको ऐसा झटका देंगे तो आपको खुद ब खुद वो टाइम बता देंगी। डू नॉट डिस्टर्ब आप इस पर कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं और जो है तो ये सैनिटरी रिमाइंडर है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। नीचे हम देखें अगला नेक्स्ट मोशन यहाँ पर दिए हुए, मोशन ये स्पोर्ट्स मोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये इतने ठीक से इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए हम तो माइन है, तो आपकी प्रोफाइल आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपका वेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल के ये सब आप इस पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी इसकी ऐप, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।